देखो 4 पॉइंट्स, थ्योरम इन स्पेस, हाँ 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी विद पोजिशन वेक्टर, विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी विद पोजिशन वेक्टर, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, उसी से रिलेटेड है, करो ट्राई करो सोचो। चार पॉइंट, वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, वो टू डी है, वो टू डी है, क्या है वो टू डी है, ये क्या है थ्री डी है। टू डी का मतलब क्या है, एक लाइन पर चलना, ठीक है, एक लाइन या एक 2D सिस्टम में चलना। यहाँ पर ये क्या है, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब तीन पॉइंट एक प्लेन पे लाए कर रहे होंगे, आपने एक डायमेंशन एक्सटेंड कर दी ना, तीन पॉइंट एक प्लेन पे लाए कर रहे होंगे, सॉरी चार पॉइंट एक प्लेन पे, तीन पॉइंट तो हमेशा एक प्लेन पे लाए करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ पर, एक पॉइंट बी यहाँ पर, एक पॉइंट सी यहाँ पर, एक पॉइंट डी यहाँ पर। अपने बचपन से एक गंदी आदत पड़ी हुई है, दो वेक्टर को जोड़ के, दो पॉइंट को जोड़ के वेक्टर बना लिया, फिर दो पॉइंट को जोड़ के वेक्टर बना लिया, फिर दो पॉइंट को जोड़ के क्या है, वेक्टर बना लिया। इसे क्या होगा, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, अगर चार पॉइंट एक प्लेन पर है तो अगर आपने ये तीन वेक्टर बनाए वो भी क्या होंगे, उसी प्लेन पर होंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि अगर तीन वेक्टर अगर एक प्लेन पर है, ठीक है ना, तो दिस प्लस दिस, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, मतलब एग्जैक्ट रिजल्टेंट नहीं, लैम्डा टाइम्स दिस, म्यू टाइम्स दिस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिखो, याद आ रहा है ना, तीन वेक्टर अगर एक प्लेन पे हैं तो आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से पता है ना क्या लिख सकते हो, बाय पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स आप क्या कर सकते हो, ए बी वेक्टर को लिख सकते हो ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम्स लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर, ये वेक्टर ज़रूर इसका कुछ लैम्डा टाइम्स इसका कुछ म्यू टाइम्स रिजल्टेंट करके आ गया होगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से, ठीक है ना। हाँ भाई, अब आप इसको ऐसा करो, इसको खोल लो, ए बी को क्या लिख लो, बॉम्बे माइनस आगरा, लैम्डा को लिख लो ए सी को लिख लो सी माइनस ए, इसको लिख लो डी माइनस ए, सबको एक साइड ले आओ, क्या बन जाएगा, कोफिशेंट का सबका सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, लैम्डा में कुछ भी हो जाए हमेशा कोफिशेंट का सम जीरो आएगा। लिखो, लिख करके देखो, कितना रहा है, बी माइनस ए लैम्डा टाइम्स c माइनस ए प्लस म्यू टाइम्स डी माइनस ए, ठीक है। अभी तो a वेक्टर किससे मल्टीप्लाइड है,
लेमडा प्लस म्यू माइनस वन माइनस बी वेक्टर माइनस लेमडा सी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब आप इनके सबके कोफिशिएंट जोड़िए, लेमडा प्लस म्यू माइनस वन ए वेक्टर का कोफिशिएंट, बी वेक्टर का कोफिशिएंट, प्लस वन आएगा क्या? नहीं, ठीक है। और माइनस वन माइनस लेमडा माइनस म्यू, एक बार चेक करना, प्लस बी आएगा ना? हाँ प्लस बी है, ठीक है, सही है, हमेशा जीरो आ रहा है। लेमडा म्यू कुछ भी हो जाए, ये क्वांटिटी हमेशा जीरो आ रही है, यानी कि कोफिशिएंट का सम कितना आएगा? जीरो। ये अपन ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आपको उल्टा प्रूफ करना है, अगर कोफिशिएंट का सम जीरो है तो ये चारों पॉइंट एक प्लेन पर होंगे, ये प्रूफ करना है। वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, वहां कर लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले ऐसे लिख लिया, और अपन ने ऐसा किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, किसे डिवाइड कर दिया? एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रही बात? पहला स्टेप सी और डी वालों को उधर उचका दिया, सेकंड स्टेप एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया। हाँ अब तुम बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, तो क्या लिखो, यहाँ लिखो या कुछ लिखूं यहाँ पर? x plus y क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दिस, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा आपका, मतलब बस कट जाएगा, है ना? z प्लस w, सही ही आएगा। हाँ भाई अब तुम समझाओ, प्रूव हो गया है, समझाओ कैसे हो गया? हमने प्रूव कर दिया, कैसे कर दिया? बताओ भाई। तुम सही बात है। ये क्या लिखा है? अपन ने यूज किया कि x प्लस y प्लस z प्लस w क्या है? जीरो। अपन ने यूज किया, और ये जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ये एक ऐसा पॉइंट लिखा है जो किस पे लाई कर रहा है? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है विच इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। राइट साइड क्या लिखा है? दिस इज अगेन अनदर पॉइंट ऑन लाइन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड डी। तो और दोनों क्या है? सेम है, दोनों दो पोजिशन वैक्टर तो लिखे हुए, ये एक पोजिशन वैक्टर है, ये एक पोजिशन वैक्टर है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो एक पॉइंट है जो लाइन ए बी पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट है लाइन सी डी पर लाई कर रहा है, और दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो ए बी पर एक पॉइंट है और सी डी पर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है? सेम है। तो दोनों लाइनें जरूर क्या होंगी? कट करेंगी। और ये क्या है? ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्चुअली दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ए बी और सी डी का। अच्छा दो लाइन अगर कट कर रही है, याद है पिछले टाइम बताया था, दो लाइन अगर कट कर रही है यो, तो क्या होंगी? कोप्लेनर। दो लाइन अगर कट कर रही है तो दोनों क्या होंगी? कोप्लेनर। तो ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर।
इस क्यू लाइन होती है ना, ऐसी लाइनें होती हैं, तो ये क्या है, कोप्लेनर नहीं होती. पैरल लाइन क्या होती हैं, कोप्लेनर. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, कोप्लेनर. तो अगर ये दोनों लाइनें एक प्लेन पे लाई कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या है, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, है ना. लिख लो, आगे लिखो. एक थ्योरम होता है सिवास, मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ. स्टेटमेंट तो बहुत लेंदी हो जाएगा. मान लो क्यू पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, है ना. क्यू पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है. और ऑफ कोर्स पॉइंट ए बी सी और पॉइंट क्यू एक प्लेन में ही है. कौन से प्लेन में, ट्राइंगल के प्लेन में, है ना. क्यू पॉइंट ट्राइंगल के प्लेन में. तो आपने जब ए क्यू को जोड़ा तो वो कट कर रहा है बी सी को एट पॉइंट डी. जब आपने बी क्यू को जोड़ा तो कट कर रहा है ए सी को एट ई. और जब आपने सी क्यू को जोड़ा तो कट कर रहा है एट एफ. ठीक है. क्यू कैन बी एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो. क्यू इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल. हाँ, ट्राइंगल के प्लेन में. इंटीरियर मतलब क्यू पॉइंट इज इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल. और मान लेते हैं कि जो ए क्यू को जोड़ा तो पॉइंट डी जो है वो कोई रेशियो है. तो बी डी अपॉन सी डी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय AF अपॉन FB. ये कितना आएगा, वन आएगा. टू प्रूफ, है ना, ऐसा होगा. ये अपन प्रूफ करेंगे. यानी कि दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन दिस. देख लो, यूँ चलते जा रहे हैं. दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस कितना आएगा, वन आएगा. लिख लिया, चलो प्रूफ करते हैं इसको, है ना. तो प्रूफ कैसे करेंगे, क्या अरे क्या हुआ, तुम कर क्या रहे हो आजकल, आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, कौन से दो ट्राइंगल, कौन सा वाला, है क्या. लिखो पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी. लिखो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू. अब ये चारों पॉइंट क्या है, एक प्लेन में. लिखो ए बी सी क्यू आर कोप्लेनर.
ए बी सी क्यू आर कोप्लेनर, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और क्यू पॉइंट आर कोप्लेनर। बेट कैपिटल में लिख लो ना, ए बी सी क्यू, ए बी सी क्यू आर कोप्लेनर। हाँ भाई, अगर कोप्लेनर है तो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कोफिशियंट का सम क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो लिख लो क्या लिखा है वहाँ पर, एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए वैक्टर, वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वैक्टर, जेड मल्टीप्लाइड बाई सी वैक्टर, एक्स वाई जेड और डब्लू, डब्लू इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो, सच दैट, क्योंकि चारों पॉइंट एक प्लेन पे हैं, तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो कोफिशियंट का सम कितना होगा, जीरो होगा। लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये कितना आया होगा, जीरो आया होगा, ठीक है, ये जीरो आएगा। अभी अपन ने ऐसा किया, ये दोनों को अपन ने एक साइड रखा, ठीक है ना, जैसे वहां पर किया था याद, ठीक है ना, वहां पर बिल्कुल सेम चीज की। तो क्या आएगा, वाई बी प्लस जेड सी, है ना, ये आएगा नेगेटिव ऑफ एक्स ए प्लस डब्लू क्यू, ऐसा आएगा। इसको डिवाइड कैसे कर लिया, किसे डिवाइड किया, वाई प्लस जेड से, फिर क्या आएगा, वाई बी प्लस जेड सी डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड, और इधर वाई प्लस जेड को क्या लिखा, y प्लस जेड को लिखा x प्लस डब्ल्यू का नेगेटिव, ये आ जाएगा। इससे क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एन सी एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एन क्यू, दोनों का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर हमने आंखों से देखा, आंखों से भी तो कई काम कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो B और C, यानी कि ये क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है जो BC पे लाई कर रहा है, किसके पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, ये एक पॉइंट है जो BC, B और G को, B और C को जोड़ने वाली लाइन पर है, और ये एक पॉइंट लिखा हुआ है जो A और Q को जोड़ने वाली लाइन पर है। और अपन ने आंखों आंखों में देखा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो BC पे भी लाई कर रहा है और AQ पे भी लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट है बेटे, D, है ना। अच्छा, तो ये D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, अच्छा, तो D पॉइंट B और C को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, अभी क्या हो गया है? जब मैं इतना जल्दी नहीं बोल रहा है, B वेक्टर और C वेक्टर को D पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो Z इज टू Y, ठीक है ना, है, रिलैक्स ना, रिलैक्स, एक्साइटेड स्टेट में तुम तब आना, है ना, Z और Y, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप मान लीजिए, अगर आपने बॉम्बे और कलकत्ता यानी कि B और C वेक्टर को आपने घेर लिया एक तरफ, बाकी दोनों को उधर उचका लिया, ये आ गया। अब मान लीजिए आपने ऐसा किया होता, A और B को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ, तुर तुर, फिर क्या होता, कैसा बनता, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड सी प्लस डब्ल्यू क्यू अपॉन जेड प्लस डब्ल्यू, और ये क्या है, पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए बी, पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग सी क्यू। अच्छा, तो अब ए और बी को जोड़ने वाली लाइन और सी और क्यू को जोड़ने वाली लाइन, ये तो पता ही कि हाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो बताओ बेटे F पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं अब तो लड़का सुधर गया ना, अब तो समझ गया है, ठीक है ना, Y is to X, ठीक है ना, X into A, Y into B upon X plus Y, ठीक है। तो पहली बार सब गलती करते हैं, दोबारा गलती करने वाला तो अच्छा आदमी नहीं होगा ना भाई। इसमें क्या, ए और सी को देखा, ठीक है, ए और सी को देखा, चलो भाई तुम बता दो, ए और सी को देखा यानी कि एक्स ए प्लस जेड सी को एक साइड रखा, बी और क्यू को उधर उचकाया, और डिवाइड किससे किया बेटे, एक्स प्लस जेड से, हाँ,
तो इसका मतलब ए सी को जोड़ने वाली लाइन और बी क्यू को जोड़ने वाली लाइन दोनों कट कर रही है। हाँ ए, अच्छा ए किससे मल्टीप्लाइड है, एक्स से, सी किससे मल्टीप्लाइड है, जेड से, है ना, ये आएगा, ऐसा है। अपन देखते हैं दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू, यानी कि जेड अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन जेड इंटू वाई अपॉन एक्स। आगे बन आएगा वो, तो लिखो, लिख लो एक बार। क्या था, z अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन z मल्टीप्लाइड बाय y बाय x, ये वैल्यू कितनी आ रही है, z रेट कट गया, बना रहा है, ठीक है।